ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और अब बारी है खाने पीने की, और इस बार हम बनाना सीखेंगे एक इंडोनेशियन डिश जो बनती है चावल से, और साथ ही इसमें यूज होते हैं ढेर सारे मसाले। और अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तब तो आपके लिए ये डिश बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आप बेहद इसे पसंद करेंगे क्योंकि इसमें प्रॉन्स और चिकन भी डाला जाएगा, तो बहुत ही डिलीशियस है। मुंह में पानी आ रहा है नाम सुनते ही। तो अब आपको ज्यादा इंतजार हम नहीं करवाने वाले और सीधे चलते हैं किचन में। नमस्कार, मैं शेफ देवाशीष डिकॉस्टा, और आज मैं आपको एक चावल की रेसिपी दिखा रहा हूँ जो बहुत ही इनोवेटिव है, जिसे कहते हैं नासी गोरेंग, और ये इंडोनेशिया से बिलोंग करती है। इसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे ऑलिव ऑयल, हरी मिर्चें, धनिया, स्प्रिंग अनियन, रेड येलो और ग्रीन कैप्सिकम, प्राउन चिकन, पीनट, थोड़ी सी हल्दी, ऑयस्टर सॉस, चिली ऑयल या चिली पाउडर अगर आपके पास है, और अंडे। चलिए फिर मैं आपको सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें एक सॉस चाहिए होती है जो पीनट सॉस है। सबसे पहले मैं आपको पीनट सॉस बनाना दिखाता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए एक मिक्सी। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पीनट, थोड़ा सा चॉप्ड अनियन, हरी मिर्चें, थोड़ा स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा 2 चम्मच हनी और 2 चम्मच सोया सॉस। अब इसे हमें चर्न करना है, हमारी पीनट सॉस रेडी हो जाएगी। ये हमारी सॉस तैयार हो गई है, अब इसे हम निकाल कर एक अलग बर्तन में रख लेंगे। अब नासी गोरेंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्राउन और चिकन साथे, तो उसके लिए हमें प्राउन और चिकन को थोड़ा मैरिनेट करना पड़ेगा। ये प्राउन्स हैं जो पील्ड है, इनको आप चिकन दोनों को एक साथ आप मैरिनेट कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा चिल्ली पेस्ट, थोड़ा सा नमक और हल्का सोया सॉस, अब इनको आपको मैरिनेट करना है। थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट करने के लिए छोड़ दें ताकि सॉल्ट अंदर तक चला जाए। इसके बाद आप इन्हें ऐसी स्टिक्स में, इनको बोलते हैं साते स्टिक्स, जो मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, आप साते बनाना है आपको, इनको स्क्यूअर करना है इस तरीके से, प्रॉन्स को एक्चुअली इसी तरीके से चिकन के फिलेट्स जो हैं उनको भी स्कीवर करना है। अब जो है आपके स्कीवर रेडी हो गए हैं, और वो बिल्कुल किस तरीके से हैं, आप इनको नॉनस्टिक पैन में हल्के ऑलिव ऑयल के साथ ग्रिल कर सकते हैं या किसी ग्रिलर के ऊपर आप ग्रिल कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले हल्का सा ऑलिव ऑयल, अब जब तक ये कुक होते हैं अब हम देखते हैं कि राइस किस तरीके से हमें बनाना है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे अमीरा प्योर बासमती राइस, यूज कर रहा हूँ मैं इस रेसिपी के लिए, और सबसे पहले हम लेते हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं, हल्का सा लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, हल्की हरी मिर्च, और इसको हल्का सा पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिकन और कटा हुआ प्राउन। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा रेड चिली पेस्ट। अब हम डालेंगे इसमें राइस, हल्का सा ऑयस्टर सॉस। अब जो है ये राइस ऑलमोस्ट तैयार है, इसे अब हम फिनिश करेंगे हल्के से कोरिएंडर, चॉप कोरिएंडर,
और स्प्रिंग अनियन के साथ और हल्का सा लेमन जूस। अब ये आपके चावल तैयार हो गए हैं। इसी के साथ हमारे साथे भी कुक हो चुके हैं। अब इन्हें हम साइड में करते हैं और थोड़ा सा इसको किस तरीके से परोसते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ्राइड एग, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें एक फ्राइड एग चाहिए। इसके लिए मैं आधा चम्मच ऑयल डाल रहा हूँ, ऑलिव ऑयल। ये अच्छे से फ्राई हो जाए। हमें इसे एक ही साइड पकाना है। ये हमारा फ्राइड एग तैयार है। सबसे पहले राइस लेते हैं मोल्ड में। आप इसे अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आप जब डिमोल्ड करें तो आपके पास एक अच्छी सी गोल शेप हो। अब इसे आप डिमोल्ड करें इस तरीके से और ये फ्राइड एग आप एग्जैक्टली इसके ऊपर डाल सकते हैं और इन साते स्टिक्स को और इस तरीके से आप पीनट सॉस डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो अब हमारी डिश तैयार हो चुकी है। आपने देखा ही है बहुत आसान है इसे बनाना। बस आपके इंग्रेडिएंट्स तैयार होने चाहिए आपके पास, बाकी आप घर जाके इसे आसानी से बना सकते हैं। तो लीजिए फिर तैयार है आपके लिए एकदम लजीज रेसिपी, वो भी इंडोनेशियन अंदाज में, जिसमें चावल के साथ मौजूद है ढेर सारे मसाले भी। बिल्कुल, तो चलिए अपने घर पर ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही अगर आपके हाथों में कोई ऐसा हुनर है जो आप हमारे साथ बांटना चाहती हैं तो आप भी बन सकते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। साथ ही अब आप बात आपके फेवरेट हम प्रोग्राम की भी करते हैं तो आप उस पर भी अपनी राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ सकती हैं। बिल्कुल, एक खास बात, अगर आपने किसी भी क्षेत्र में विशेष में अनोखा काम किया है, कोई अच्छा काम किया है और आप अपनी उपलब्धियां हमारे साथ बांटना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं तो फटाफट नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है ladiesvs@cnab.in या फिर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे पते पर आप हमें खत भी लिख सकती हैं। साथ ही आप दिए गए नंबर पर फोन भी कर सकती हैं, हम आपके प्रयासों को लोगों के बीच रखेंगे। चलिए दोस्तों, इस पासे के साथ कि अगले हफ्ते और अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी ढेर सारी जानकारी के साथ। फिलहाल मुझे और तमन्ना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कामयाब है तू, सब में आगे है तू, जागो। It's only woman, it's only woman। इस कार्यक्रम की